इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 का गणित बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड कक्षा 10 का गणित का हम पहला चैप्टर सॉल्व करेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, और इसमें आपको हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे जिससे आपको चैप्टर समझने में, देखिए वास्तविक संख्याएं 1.4 तक चार एक्सरसाइज है, एक एक एक्सरसाइज जो है इसमें सॉल्व करेंगे। टोटल गणित में आपका 15 चैप्टर है, और 15 नंबर चैप्टर जो है आपका वो है प्रायिकता, ये 14 नंबर सांख्यिकी है। वास्तविक संख्या का एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इसमें टोटल आपका 5 सवाल है। चलिए हम बेसिक से शुरू करते हैं, आपके लिए लिख लिए हैं ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर पाएँ, और आप ध्यान से समझिएगा। स्क्रीनशॉट लेने से होता नहीं है, हम स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे आपको। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की तैयारी, बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, लाइक कर दीजिए। देखिए सबसे पहला बात है, वास्तविक संख्याएं दी हुई थी तो हम पहले इसी से शुरू कर दिए। वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं रियल नंबर। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ गए, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे √3, 2√5, √15, 4/11, 7/12, 15/17, कुछ भी हम लिख सकते हैं वास्तविक संख्या में, जो भी परिमेय है या अपरिमेय है वही संख्या वास्तविक कहलाएगा। वास्तविक संख्या मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, हम यहाँ पर लिखे निम्नलिखित प्रकार के। तो सबसे पहला है प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसको एन से डिनोट करते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अनंत तक जो भी प्लस में होता है ये सारा का सारा प्राकृत संख्या हो गया। आगे आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। यदि प्राकृत संख्या के समूह में 0 तथा 0 को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अब जैसे प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक था, इसी में हमने 0 को शामिल कर लिया तो ये हो गया पूर्ण संख्या। अब पूर्ण के बाद आता है पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर और आई से डिनोट करते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब धनात्मक और ऋणात्मक किसको कहते हैं, धनात्मक देखिए जो प्लस में रहता है और ऋणात्मक जो माइनस में रहता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम प्लस में ले लिए 5, ये धनात्मक हो गया, और ये माइनस में हम 5 ले लिए, ये ऋणात्मक। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए पूर्णांक हमारा ख़त्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है परिमेय संख्या, ध्यान से देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वैसी संख्याएं जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब क्यू बराबर जीरो नहीं हो, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5, 9, 5/7, 0, -10/9 इत्यादि, ये सारा परिमेय संख्या है। अब जीरो में बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि जीरो परिमेय है या नहीं। देखिए हम इसको आपको साबित कर देते हैं, जीरो लिए। अब जीरो परिमेय है या नहीं साबित करने के लिए क्या करेंगे, इसके बट्टा में एक रखेंगे। सबसे पहली बात क्या आता है कि पी वाई क्यू, देखिए पहला शर्त जो था पी वाई क्यू के रूप का हो सकता है, ये कम्प्लीट पी वाई क्यू के रूप में हो गया। अब पी बराबर जीरो और क्यू बराबर एक, अब बोला क्या गया, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब बताइए शून्य है और ये देखिए एक कुछ नहीं, तो आगे का चिन्ह क्या होगा, प्लस, तो धनात्मक में है। दूसरा शर्त भी आपका मान लिया। तीसरा शर्त क्या कहता है, क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए क्यू बराबर कितना है, एक है, तो तीसरा शर्त भी मान लिया, अर्थात जीरो एक परिमेय संख्या है। अर्थात किसी संख्या के बट्टा में अगर जीरो आ जाए तो ये अपरिमेय संख्या, ठीक है, और बट्टा में जीरो नहीं आए तो वो परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका परिमेय है, और परिमेय के बाद आपका जो है वो है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या लास्ट है, देखिए अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, वह संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अथवा जो परिमेय नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय तो आप जान गए, अब आगे जो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आता है, तो उससे पहले हम एक भाग लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, इससे क्या होगा आपको वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 5 से 22 में भाग देते हैं तो 4 बार में लगा, 20 आया और 2 शेष बचा। ये 5, ये 4 और ये 2 और ये 22, इस सब का क्या नाम है। देखिए भाज्य बराबर, आप बचपन में पढ़े होइएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक
गुने भागफल और जोड़ शेषफल। देखिए भाज्य कहते हैं ये ए को, ए अंग्रेजी में संकेत करते हैं इसको, ए मतलब भाज्य। ये देखिए 22 जो है क्या है, भाज्य है ए। और भाजक बी को कहते हैं बी, ये 5 भाजक है। भागफल कहते हैं क्यू को, ये 4 जो है ये भागफल हो गया। और शेषफल कहते हैं आर को, ये 2 क्या हो गया शेषफल। अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो परिमेय है वो क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ ये देखिए हम 5 से 22 में भाग दे रहे हैं और शेष 2 आया, तो 2 देखिए क्या है 5 से कम है, 5 से कम। शेष जो होगा हमेशा भागफल से कम होगा, शेष 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 से बड़ा और बराबर आर। आर किसको कहते हैं, शेष को कहते हैं। 0 से बड़ा और बराबर आर, और आर से बड़ा क्या होगा बी, और बी किसको कहते हैं भाजक, शेष से बड़ा होता है ना भाजक। चलिए इतना आप समझ लिए तो समझिए आपका चैप्टर सॉल्व है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आपका अब सवाल लाते हैं, आपका सवाल जो है ध्यान से देखिए। सवाल आपका क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें 135 और 225, 196 और 38,220, 867 और 255 दर्शाया गया है। चलिए करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा सवाल ले लिया गया है। सबसे पहला 135 और 225 बनाने का जो तरीका है बहुत आसान तरीका है, आपको समझना पड़ेगा और तुरंत आप सीख जाइएगा। देखिए सबसे पहले 225 को हम लिखेंगे, सॉल्व करते हैं 225। अब 225 क्यों लिखे, क्योंकि HCF बनाने का जो सूत्र होता है आपको पता है, बड़ा संख्या में छोटा से भाग देते हैं। बड़ा संख्या 225 है 135 में, और बराबर में 135 लिखेंगे। आप बेसिक में हो तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बनाइए, हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। देखिए आप समझिए 225 है, तो 225 में 135 से भाग देना है, तो 135 से भाग देना है 225 में। देखिए भाग देते हैं 225 में 135 से, भाग देते हैं 225 में, एक बार में लगेगा कितना 135 से, तो एक बार में लगेगा तो 225 में 135 से भाग दीजिए, एक बार में लगेगा 135, 5 से 5 0, 2 से 1 पैसा लगेगा, 12 से 3 9, और ये एक कट जाएगा, कितना बचा 90 बचा। आपको सिखाते हैं, देखिए इतना जो बचा है कितना बचा 135, भागफल एक आया और शेषफल 90 आया। इसको हम कैसे लिखेंगे, 135 है, भागफल को इससे गुना कर देंगे, भागफल एक आया एक से गुना कर दिए, और शेष हमारा देखिए 90 आया और शेष को जोड़ दिए। आप याद कीजिए ए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष, इस प्रकार से, या आप इसको इस ऐसे भी लिख सकते थे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख करके आप यहाँ पर दर्शा सकते थे। चलिए अब इसमें क्या करना, पहले 225 में 135 से भाग दिए, एक बार में लगा और शेष 90, शेष को जोड़ दिए, जितना बार में भाग लगाए उससे गुना कर दिए। अब 135 और 90, 135 से भाग दिए थे इसमें, अब 135 को रखेंगे यहाँ पर, 135 को रखें और 135 में 90 से भाग देना है, समझ गए। देखिए आपको समझाते हैं, 90 से भाग देना है 135 में, देखिए 90 से भाग देंगे 135 में, तो 135 में 90 से भाग देंगे, एक बार में लग जाएगा 90। अब 5 से 0 को घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर 13 से 9 को घटाएंगे 4, शेष कितना बचा 45। अब आप ही बताइए क्या करते हैं, भागफल से गुना करते हैं, भागफल एक आया तो एक से गुना करेंगे, और शेषफल 45 आया तो 45 जोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, फिर इस 90 को लिखेंगे, और भाग तब तक करेंगे जब तक शेष 0 ना बचे, 90 को अब 45 से भाग देंगे। अब 45 से 90 में भाग देंगे, ध्यान दीजिए 45 से 90 में भाग देंगे तो क्या करेंगे, 90 में 45 से भाग देंगे, तो 45 से दो बार में लग जाएगा 90, दो बार में देखिए कितना होता है 90 होता है और कट जाता है, तो शेष 0 आया, शेष 0 आया, तो हम इसको यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, 45 गुना 2 अब प्लस शेष 0 आया तो 0 लिख देंगे। अब शेष 0 आ गया तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, अब आपका HCF आ गया, हम यहाँ पर लिख देंगे 135 और 225,
135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कितना, देखिए लास्ट बार में 45 से भाग दिए थे, 45 प्राप्त हुआ। तो देखा आपने किस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न जो है बहुत आसान है, एक बार में भाग लग जाता है। देखिए अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से है, इसको सॉल्व करेंगे। 196 और 38,220 में बताइए कौन बड़ा है। 38,220, तो 38,220 और इसमें हम इसको बराबर में लिखेंगे 196। अब 196 से इसमें भाग देंगे तो लगेगा कितना बार में। ये सवाल जो है अक्सर स्टूडेंट को परेशान करते हैं कि कितना बार में भाग लगेगा, और हम आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं। बहुत आसान है। देखिए 38,220 में 196 से हम भाग देंगे। देखिए ध्यान दीजिए 38,220 में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 196 और इससे भाग देंगे 38,220 में। आप देखने की कोशिश कीजिए 38,220 में हम 196 से भाग दे रहे हैं, एक बार में लगेगा 196। भाग देना है जैसे आपको भाग आता है, एक बार में लगेगा तो 2 से 6 घटेगा नहीं, 12 से 6 बचा, यहाँ पर 6 होगा, 12 से 6 गया 6, उसके बाद यहाँ देखिए 7 बचता है, 7 से 9 घटेगा नहीं, 1 पे चलेगा, 17 से 9 गया 8 और 2 से 1 186। अब इस पर 2 को रख देंगे, 2 को 9 बार में लग जाएगा। कितना बार में लगेगा, 9 बार में। देखिए 6 नंबर 54 का 4 बाकी 5, 19 नंबर 171 5 176, 1764 होता है। अब आप भाग दीजिएगा 4 5 6 7 8, तब आपको 9 हम किए हुए हैं इसीलिए हमको पता है 9 बार में, तो 12 से 4 8। फिर यहाँ पर देखिए ये 6 है, एक पैचा लेगा क्योंकि एक पैचा इसे लिया है, 5 एक 15 से 6 गया 9, उसके बाद 17 से ये कट जाएगा, 0 उतारेंगे। अब 5 बार में 980 कट जाएगा एक ही बार में, देखिए 195 बार में शेष 0 आ गया। ठीक है चलिए लिख लेंगे। अब लिखेंगे कैसे वो समझिए, लिखेंगे कैसे 196 से भाग दिए 195 बार में, शेष हमारा 0 प्राप्त हो गया, तो HCF क्या होगा, 196 होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कितना प्राप्त हुआ, 196 प्राप्त हुआ। ये भाषा ही आपको नंबर दिलवाएगा बोर्ड एग्जाम में। दूसरा सवाल सॉल्व हुआ आपका। चलिए तीसरा सवाल जो है वो आपका है 867 और 225। तीसरा सवाल आपका है 867 और 255। अब इसमें देखिए बड़ा कौन है, 867 है, 867 को लिखेंगे और इसमें 255 से भाग करेंगे, फिर वही काम भाग कीजिए 255 से, तो 255 से 867 में भाग करेंगे, 255 से 867 में, तो तीन बार में लगाते हैं, 5 + 15 बाकी 1, 25 + 75 176, 7 + 5 2, 6 + 6 0, 7 + 7 102 बचता है। तो अब यहाँ पर आपका देखिए आपको बताए थे यहाँ पर भागफल आया है 3 और शेषफल आया है 102, तो भागफल आया है 3 तो 3 से गुना करेंगे और शेषफल 102 आया है तो शेषफल को जोड़ देते हैं। अब 255 को लिखेंगे और इसमें भाग देंगे 102 से, तो 102 से भाग देंगे, यहाँ पर देखिए 102 आया हुआ है, अब 102 से भाग देंगे किसमें, 255 में, तो 102 से भाग देंगे 255 में, भाग दीजिए 2 बार में लग जाता है, 2 बार में कितना 204 आया, 5 से 4 1, 5 से 0 5,
5 2 से 2 कटा, 51 शेष और भागफल 2 आया, 51 शेष और भागफल 2 आया तो भागफल से गुना करते हैं और शेष को जोड़ देते हैं। अब 102 बचा है तो 102 में भाग देंगे, 51 से 2 में गुना कीजिए, 51 दूना 102 होता है, शेष 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व हो गया। फिर इसी प्रकार से भाषा लिखेंगे, 867 और 255 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समावर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कितना प्राप्त हुआ, 51। लास्ट 51 है तो 51 प्राप्त हुआ। आप दर्शा सकते हैं 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 51 प्राप्त हुआ। तीनों सवाल का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।